भारत आसियान देशों के संबंधों को 30 साल पूरे होने पर विदेश मंत्रालय की ओर से उदयपुर में एक कला शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आसियान देशों से आए कलाकारों ने विभिन्न तरह की पेंटिंग्स बनाई। इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने शिविर में पेंटिंग्स का अवलोकन कर प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। वहीं कार्यक्रम संयोजक संजय भार्गव ने बताया कि शिविर की थीम ओशियन ऑफ कनेक्टिविटी है। डिफरेंट मीडियम में हमारा इंडिया का रिलेशनशिप तो क्रिएट कराना चाहिए, हिस्टोरिकली तो लिंकेजेस आते हैं, बुद्धिस्ट लिंक, रामायण लिंक और पीपल टू पीपल और ट्रेड, सबको रिलेशन है। और मोदी जी के समय में वो रिवाइब्रेट करना चाहिए और एशियन एंड इंडिया रिलेशनशिप तो सॉलिड करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम लोग ने उसका बना रहा है। इंडिया और आसियान इस साल 30 साल मना रहे हैं अपने डायलॉग पार्टनरशिप के, तो ये बहुत बड़ी एक ओकेजन है, क्योंकि 25 साल जब हुए थे 2017 में तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और शहर ने मिलकर आसियान इंडिया आर्टिस्ट कैंप किया था, जिसकी पेंटिंग्स समिट में लगी थी बाद में, और एक म्यूज़िक फेस्टिवल किया था पुराना किला में, जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा फैली। तो इस साल उसके सक्सेस के बाद जब अब 30 साल बना रहे हैं 2022 में, तो आसियान इंडिया आर्टिस्ट कैंप का दूसरा चरण और आसियान इंडिया म्यूज़िक फेस्टिवल का भी दूसरा चरण किया जा रहा है।